देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी का ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अ मेटालिक कॉयल कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 110 ओम व्हाइट हॉट. देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक दिस कॉयल टू हीट 1 केजी ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. एज्यूम दैट होल ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द कॉयल इज टेकन अप बाय वाटर. मैंने आपको कहा था कि whenever you are going to solve the numerical which is based on any chapter of physics, any chapter, इसमें सबसे पहले आपको क्या जरूरत है, आपकी जरूरत आपका गिवन क्या है. सबसे पहले गिवन वो मैथमेटिक्स हो या आपका नाम फिजिक्स हो या कोई सब्जेक्ट हो, अगर गिवन उसके बाद व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. आपको निकालना क्या है, तीसरी चीज आपका फिगर बनाना है या नहीं बनाना है ये आपको डिसाइड करना है. चाहे एक तार ही क्यों नहीं बनानी पड़े, क्योंकि व्हेन यू विल मेक व्हेन यू विल ड्रॉ अ वायर आपका नाम उसकी आपकी क्या होगी लेंथ होगी, उसकी रेसिस्टेंस होगी, उसकी डायमीटर होगी. और रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आपकी होती है. जब आप रेसिस्टिविटी निकालते हैं फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपका कौन सा फिगर आपका देखो, उसके बाद फॉर्मूला रिक्वायर्ड कौन सा है और रिक्वायर्ड. और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मेजरमेंट्स होते हैं जो आपको दिए हैं या नहीं दिए. जैसे अगर मैं बात करूं इसमें इस क्वेश्चन में देखो आपका नाम, तो ये क्वेश्चन आपकी रेंज होनी चाहिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और CBSE को भी और स्टेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या देना चाहिए. एग्जैक्टली तो ना दो, इसमें सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी वो आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है आपको ना दो. और ये होता आपका 4186 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. ये कई बार हो रहा था आप ही लोगों की थी. हमारे स्कूल में टीचर कहते हैं आपकी मीन्स नाइन्थ का भी है टेंथ का भी है इलेवंथ के नहीं, रेसिस्टिविटी याद करने की क्या जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत है. जरूरत तो किसी चीज की नहीं है और जरूरत सब चीज की है. खाना क्यों खा रहे हैं फिर, जरूरत क्या है खाना खाने की, सांस लेने की क्या जरूरत है. जरूरत है बच्चे को, स्कॉलर बच्चे को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए. एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देना चाहिए, जैसे ओमर सीट आप भरते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो, नहीं तो पूछ लीजिए क्या व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बच्चा लिखेगा एक मार्क्स में. तो इनको याद करने की जरूरत है. बाय अब आपका देखो सॉल्यूशन गिवन आपका देखो अ मेटालिक कॉयल, एक मेटालिक कॉयल कॉयल आपका देखो कॉयल किससे बनती है, एलॉय से. इज इट क्लियर, हाई रेसिस्टेंस होती है. तो ये पहले आपके ये मेटालिक कॉयल, उसके बाद आपका कनेक्टेड टू है आपका जो, तो ये आपके जो हो गए पावर. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आप जिसको लिखते हैं वो आपका जो 220 वोल्ट, जिसको आप कहते हैं वी, जिसको आप कहते हैं सॉरी वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका सप्लाई. इज इट क्लियर. उसके बाद इस तार की जो रेसिस्टेंस है आर, आर कितना है जी, 110 ओम. दैट्स वेरी फाइन माय डियर चाइल्ड. अब देखो इसका तीसरी चीज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, यू सी एट द ब्लैक बोर्ड मास स्मॉल है, इसे बोलो 1 kg कहीं पे लिखा है देख रहे, हीट 1 kg ऑफ वाटर. ठीक है अब आपका उसके बाद देखिए राइज इन टेम्परेचर टी, इसे बराबर टी 20 डिग्री से आपका 70 डिग्री आपका बना, तो देखते टी इसे बराबर T2 - T1 इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी आप इसको कहते हैं. इसे बराबर 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इसे बराबर 5 50 डिग्री. ठीक है एंड
जो नहीं दिया था, जो मैंने आपको बोला स्पेसिफिक, आपका नाम, हीट ऑफ वॉट, ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज 4186 ना दो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड. याद रखिए, इनके साथ ही साथ आपका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है. याद रखिएगा, फॉर्मूले के हिसाब से आप ऐसा यूनिट्स वगैरह जो निकालते हैं, क्या वो मीटर में है, क्या वो सेंटीमीटर में है, वो जूल में है या किस में, वो सारी चीजों को आप बिल्कुल क्लियर करें. क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारा ये आज फोर्थ एपिसोड, समझ लीजिए आप, फोर्थ पार्ट होगा, याद रखिएगा. ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल. अब इतनी चीजें आपकी हो गई. देखिए, ये ए पोर्शन था ना, बी में आपका देखो ना, टू फाइंड आउट. बच्चा ऐसे लिखेगा ना तो उसको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी. आपका निकालना क्या है जरा पढ़िएगा. आपका एज्यूम द होल ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द कॉइल इज टेकन अप, तो क्या निकालना है इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब टाइम. अब इस ये टाइम कहां कंपेयर, कहां आएगा ये देखिएगा, इस टाइम को आप कहां पे लेंगे, ये आपको देखिएगा. तो देखो एनी, आपको एक टाइम ये निकालना है. देखो ये टाइम कैसे एडजस्ट करेंगे अभी बताऊंगा मैं आपका. देखो ना, अब आपका देखो ना, उससे अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. वर्किंग लेआउट सेक्शन जैसे आप लिखते हैं, आपका वो चीज होगी. तो लेट अ कॉयल टेक, अगर ये कॉयल आपकी, देखो ये आपका नाम टी सेकेंड लेती है टू हीट द वाटर, पानी को गर्म करने पे आपका नाम, देखो दिस इज, तो देन हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल, ये आपकी रेंज होनी चाहिए सवालों को करने की. Q इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी, और V स्क्वायर ओवर R एम सी, ये आपका देखो ना, दिस इज, ये जो T की है आपका T2 माइनस T1, ये आपका देखो, ये Q इज इक्वल टू आपका देख लीजिएगा, ये आपका आपका ये फॉर्मूला है. अब पूरे हिंदुस्तान में CBSE का बच्चा कहेगा ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं है, हमें कराया ही नहीं है, तो तुम्हें फिर पढ़ाया और कराया क्या गया है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आपका सिलेबस जो होना चाहिए, पहले 2008 से जो सिलेबस था वो एक दूसरे को टच करते हुए जाता था, सिमिलरिटीज थी उसमें. तो ना यो, इससे टी निकाली आपका, देखो टी इससे करो एम सी, देखो एम सी टी इज इक्वल एम सी, क्यू की एक वैल्यू है और क्यू की एक वैल्यू है आपका, देखो ना, तो एम सी इंटू टी टू माइनस टी वन और इंटू, देखो आर और ओवर ए वी स्क्वायर, यानी कि क्यू इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी होता है एक फॉर्मूला, एंड दूसरा आपका क्यू इज इक्वल टू का एम सी इंटू टी टू माइनस टी वन होता है. तो वेन यू विल कंपेयर बोथ द क्यू टू फाइंड आउट, देखो अगर आपके पास यू हैव टू फाइंड आउट यू दिस वन, आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए. अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये आपके पास होना चाहिए. इफ यू हैव टू फाइंड आउट आर, सो यू मस्ट हैव आपका नाम, यानी कि फोर क्वांटिटीज है, फोर में से अगर आपका थ्री नोन है तभी आपका फोर्थ वन अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया दीदी? अब आपका देखो टी इज इक्वल टू एम का मतलब कितना हो गया 1 kg मास, सी का मतलब आपका व्हाट इज सी, पता है सी क्या होता है, ये जिसको आप ये देखो आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसको आपका सी से डिनोट करते हैं. तो आपका दिस इज व्हाट इज दैट 4186, ठीक हो गया जी, इंटू टी टू इंटू टी वन, जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है वो आपका यहां पे लिख दीजिए, इंटू रेसिस्टेंस ऑफ वायर 110 ओवर वी स्क्वायर का मतलब 200, भालो के लिए. तो आप
अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 4186 × 50 × 110। अब इसको वैसे तो 20 22 का स्क्वायर आपका 484 होता है, 484, दो डी जीरो लगा दीजिएगा, लेकिन देखो इसका मतलब काम वो करिए जी, इसमें हो रहा है ठीक है ना, क्लियर है। अब आप करो ये 21, इससे इसको 2 से आपका देखो 2 से 2 2 सा 0 आ गया, 9 सा और 8 सा आपका ठीक हो गया जी, क्लियर। उसके बाद 2 से इसको कर दीजिएगा 2 5 सा 10 5 सा 2 से 1 0 आपका नाम दिस सा कितना 4 9। अब आप इसको 1049 इंटू 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 55। वैसे तो 5 से ये भी 5 5 सा और आपका देखो 5 से 5 11 जा। अब आप 5 9 सा 45, 4 5 4 सा 20 20 एंड 4 इज 24 एंड 2 24 पूरा आएगा क्योंकि 0 5 1 सा 5 ओवर। आपका अलार्म इसको आप कट कर दीजिए तो यह आपका आएगा 4 7 5.7 आपका नाम होगा। अब इसको आपको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना होता है 60 सेकेंड, तो इसका मतलब हो गया ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/60। ब्यूटीफुल मिनट, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ना देखो 4 7 5.7 से आप इसको जब 60 से आप डिवाइड करेंगे आपका देखो इसको कितनी बार आ रहा है 6 7 42 आपका 7 मिनट और उसके बाद फिर डेसिमल आएगा तो 55 लगभग सेकेंड 55 नहीं तो आदमी के बाप रे ये सेकेंड तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई इनको आपका कन्वर्ट करना, ट्रांजेक्शन करना आपको प्रॉपर आनी चाहिए। नहीं एक स्कॉलर बच्चे की तो अपनी डेफिनेशन होती ना स्कॉलर्स की, तो इसलिए आप इसको मिनट तो इससे लग 7 मिनट 7 मिनट और 55.7 सेकेंड में आपका ये काम हीट पानी गर्म कर देगी 1 kg वाटर, आप समझ रहे। तो ये आपकी रेंज होनी चाहिए। आप इसके यूट्यूब चैनल में कहीं देखोगे ना ये सवाल बड़ी मुश्किल से मिलेगा, जरा देख लीजिएगा आज के हिसाब से, तो प्लीज डू इट। द सेकेंड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, रेट ऑफ अपन 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम, देन वोल्टेज इज 2 इन बोथ द केसेस एट मैक्सिमम और मिनिमम अपन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट है, व्हाट आर द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केसेस। आपको करंट फाइंड आउट करना है आई और रेसिस्टेंस आपको आर निकालना है। चलो अब ये आपकी विद्युत स्त्री है, आयरन विद्युत स्त्री, इसमें बाई मेटालिक लगा होता है आपका नाम होगा निक्रोम भी लगी होती है और वो भी आपका नाम होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 2 पे आपका नाम होगा इसमें भी। हाँ 2 केसेस हमारे पास, 2 केसेस है, 1 इज फॉर मैक्सिमम एंड द एनदर इज आपका और नहीं लिखते हैं एंड लिखते हैं और मिनिमम के लिए, 2 केसेस हमारे पास है। ये जो मैं आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ या फिजिक्स आपको पढ़ाता हूँ ये मैं आपको 5 या 6 किताबों के कॉम्बिनेशन से पढ़ाता हूँ, ये याद रख लीजिएगा 5 to 6 बुक्स में जो कहीं नहीं होगा। ये मैं दिल्ली की एक किताब चला रहा हूँ, ये दिल्ली के अच्छे अच्छे स्कूल्स में चलती है, उसके बाद आर आर मिश्रा की मैं चलाता हूँ, मंजीत सिंह में चला रहा हूँ, विद्या पब्लिकेशंस की मैं चलाता हूँ, टुगेदर वाली किताब मेरे पास है और भी कई है आपका, एग्जाम गुरु है आपका नाम और कई किताबें हैं आपका, अगर आप पीछे देखेंगे और इधर देखेंगे लगभग बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास आपका नाम सर, जिनके कॉम्बिनेशन से साइंस एक ये भी है आपका नाम साइंस फुल मार्क्स वाले से जिनसे चला, तो 6 से 7 किताबें मैं फिजिक्स की आपको कंबाइन करके आपका नाम चला रहा हूँ। अब आप ही लगा दीजिए सर तो ना, अब यहाँ पे एक केस आपका
वही मैंने कहा था, ये सारी चीजें आपको कंटेंट्स को अपने दिमाग में रखना है, क्या दिया हुआ है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, तो आप करें सबसे पहले व्हेन हीट या हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, जब आपका मैक्सिमम पे आपका हीट है, वर्क करता है मैक्सिमम रेट है, रेट उस समय आपको दिया क्या है, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग कितनी दी है जरा देखो, पी इज इक्वल टू कितना है 840 वाट, ये कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसे सवालों में किलोवाट में होना चाहिए या वाट में होना चाहिए, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए ना। एंड दूसरी चीज, द सेकेंड थिंग विच इज गिवन, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, देखो दिस ना, ये जो सप्लाई है सोर्स दैट इज आपका नाम, ये 220 वोल्ट जो डोमेस्टिक आपका बेसिकली होती है फॉर एवरी होम फॉर रनिंग एवरी अप्लायंसेस, टू फेस जिसको आप कहते हैं, थ्री फेस में आपकी फ्लोर में चक्की वगैरह आती है जहां आप चावल पिसाने जाते हैं या आटा पिसाने जाते हैं, आपका गेहूं पिसाने जाते हैं मसाले वाले, वो आपका थ्री फेसेस में आते हैं, तो ये चीज आपकी हो जाए एसेट के लिए। अब आपको क्या निकालना है, टू फाइंड आउट, ये दोनों आपका देखो ना, ये गिवन में, अब आपका बी, ये ए वाले में, बल्कि इसको वन कर दीजिए, नहीं तो स्मॉल ए और आपका ए, या तो इसको कैपिटल ए कर दो तब तो ये ठीक है, तो स्मॉल ए आपका ए चल जाएगा आपका, देखो तो ना, तो टू फाइंड आउट में व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, करंट, करंट मींस आई, इज इट क्लियर। और दूसरा क्या निकालना आपको, दैट्स वेरी फाइन, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आपको रावत मैं यही कह सकता हूं। अब यहां पे आप कह रहे हो बी, फॉर्मूला अप्लाइड, कौन सा फॉर्मूला आप किसके लिए यूज करेंगे तो बताएंगे आप मुझे, आपको याद होगा एक फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इंटू आई आपको पढ़ा था आपने, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने यहां पे वी इज इक्वल टू आपने बोला नहीं, इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास पावर रेटिंग एंड वोल्टेज आपके पास है, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज द करंट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट इज पी बाई वी विच इज नोन एज बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इज इट क्लियर। आई इज इक्वल टू व्हाट इज पी, पी इज 840 ओवर, नाउ दिस इज द टोटल, इससे इसको खलास कर दीजिएगा, 2 से 242 से 211 से, तो अब आप देख लीजिएगा 11 कितना आ रहा है, इधर करिएगा तो ये लेवल आपका 3.82 एम्पीयर होगा। अब आपने आई निकाल दिया, अब आपको निकालना है आर आपका नाम, तो अब आप सेकेंड फेज पे आप आएंगे तो ना अप्लाई ओम्स, ओम्स लॉ क्या था, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, अब आपका देखो आर आपको निकालना है तो वी अपॉन आई, वी कितना है आपका 220 वोल्ट, एंड आप इससे 3.82 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो 220 इंटू आपका, बल्कि आप इसको और करना है तो 211 जब 2 से देखो 210.96 हो गया, फिर 2 से आपका 255 जब 2 से पॉइंट लगाया, नाउ दिस इज 9 और आपका दिस इज 8, अब आप 5500 ओवर 98 होगी। अब यहां पे अगर आप 4 से करते हैं इसको 49 जा या 5 आपका 9 जा, इसको कितनी बार जाता है ये मुझे बताइए, ये 5 टाइम तो वैसे 58 जा 59 जा 45 और आपका ना जो 4 आ रहा है वो लेवल आपका कहना 49-50 के राउंड ऑफ आ रहा है, तो ये लेवल आपका जो आता है 57.6 आपका 57.6 ओम, ये तब था जब व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। नाउ
बी व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट उस समय आप देखिएगा आपकी जो पावर रेटिंग है पावर रेटिंग आपकी पी इज इक्वल कितना है 360 वाट और जो वोल्टेज सप्लाई है वो वी इज इक्वल वो 220 वोल्ट है। आपको फिर क्या करना है, ये तो ए पार्ट आपका हो गया, बी पार्ट में आपका फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज वही आपका पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई आपने निकालना है, आई इज इक्वल पी अपॉन वी, पी पावर कितनी है आपका ना 360 और ओवर आपका 220, इससे ये खलास 2 से आपका 2 18 2 11 जाए तो 18 को 11 डिवाइड करेगा कितना आता है ना 1.64 एम्पीयर। अब इसके बाद मैं यहीं पे जो कि क्वेश्चन लिखूंगा मैं इसके बाद, अब आपको निकालना है मुझे बाई ओम्स लॉ इसका ये पार्ट, तो V is equal to I into R आपका होता है and I have to find out R, R is equal to V upon I, V आपका कितना है 220 over 1.64 which is 2, 1 1 जा आपका 2 से 0.8 आपका 2, फिर 2 55 जा 2 से 0.41 अब आपका देखो ना तो ये R is equal to 5500 over 41 1 जा यार आपका देखो जरा करिएगा फटाफट फटाफट, ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी ने नाश्ता नहीं कराया आप लोगों को। 134.2 इन बोथ द केसेस आपने ये जब मैक्सिमम और मिनिमम में था ये ऐसे आप इसको करिए, प्लीज डू इट। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक लैंप हूज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कनेक्टर, दो इलेक्ट्रिक लैंप और कनेक्टर दोनों की रेसिस्टेंस आपको दी हुई है और 6 वोल्ट की बैटरी से आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स, द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, द करंट थ्रो अ सर्किट, आपका नाम द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे दो चीजें दिमाग में लाना है इस सवाल में कि इसमें तो आपका दिया ही नहीं है तो सीरीज में निकाले या पैरेलल में, आपको जब दिया नहीं है आप दिमाग लगाइए कि सीरीज में ही निकालेंगे हम बस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 3 आपके पास एक रेसिस्टेंस है, देखिए आर वो है आपका कंडक्टर, आर वन इज इक्वल टू आपका देखो कंडक्टर 4 ओम और इसी में दूसरा आपका नाम ये लगा दिया एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका लगा दिया, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये आर टू और इस इलेक्ट्रिक बल्ब का आपका नाम 20 ओम दिया हुआ है। इधर प्लस माइनस इसका मतलब 3 बनाए, इसका मतलब एक सेल 2 वोल्ट का हुआ कायदे से, तो 3 सेल बनाए आपका ना ये 6 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं आपका, तो ये इधर से गया, ये जब सीरीज में होते हैं तो सीरीज में क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, याद रखिएगा एग्जैक्ट क्लियर। पहली चीज आपका ये थ्रो यहां से यहां, अब यहाँ पे हम रास्ते में एक आपका की भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम आकर एमीटर ए भी लगा सकते हैं, कोई शक है तो जरूर बताइए आपका नाम। इधर से जा रहे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ हमने क्या साइन लगाना है, एरोस आपको बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा आपका। देखो इसमें आई इलेक्ट्रिक करंट जो यहां से बहेगी वही आकर पूरे में इलेक्ट्रिक करंट इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट फॉर
डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आपका ईआर के लिए। तो सबसे पहले हमने सर्किट बना दिया, क्लियर हो गया। अब आपका फिगर में रख के लो, ए पार्ट में रख के लिया बी। अब आपका देखो गिवन, गिवन में रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर सी भी लिख सकते हो, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर वन भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप इसको आर सी लिखो या आर वन लिखो, आपका ना देखो दिस इज द फोर। और नाउ सेकेंड, रेसिस्टेंस ऑफ आपका नाम इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको आर बी या आर ई इलेक्ट्रिक बल्ब लिखो या आर टू लिखो, ऐसे करो। कोई ये नहीं कह सकता तूने ये क्यों लिखा, आर ई मैंने तो तेरे को बताया नहीं था। अरे तूने नहीं बताया था, मैंने दिमाग लगाया, तू नहीं पढ़ाएगा तो क्या मैं पढ़ूंगा नहीं। ये चीजें आपके क्लियर होने से, तू नहीं कहना तो वो तो मैं कह रहा हूं ना, मेरे समकक्ष हैं, आपने कह देना मास्टर को कहीं, ठीक हो गया। अब आपका ना दो, अब आप क्या करेंगे, ये चीजें दिए और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स जो आपका, ये आपका दिस इज ये 6 वोल्ट हमने दिया। कोई शक है तो बताइएगा प्लीज जी। अब आपका सी टू फाइंड आउट, देखिए क्या है आपको, क्या क्या है वो देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट आपको द टोटल रेसिस्टेंस आपका, तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या हमने पैरेलल में सॉरी सीरीज में दिखाया आरएस, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, करंट थ्रू द सर्किट, वेरी नाइस। टी एच आर ओ यू जी एस ने लिखा, मैंने टी एच आर यू लिख दिया, अपना दो दिस इज आई, ये आपको निकालना है। थर्ड आपको क्या निकालना है, ओके ना, इसका मतलब एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकालना है अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, ये निकालना है, ये दिस इज द ये वी वन निकाल दो या आपका वी ई कर दीजिए या वी वन, आपका जो मर्जी है आपका, देखो ना एन आपका सॉरी इसी में बी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर इसको वी आपका सी लिख दो कंडक्टर या आपका वी टू लिख दो, आपकी मर्जी, क्लियर हो गया। नाउ अब आपका देखो डी, रिक्वायर फॉर्मूला यूज, अब मुझे क्या निकालने के लिए क्या देखो, तो ना व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंसेस आर इन सीरीज दियर, टी एच ई आई आर दियर, इलेक्ट्रिक करेंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेसिस्टर्स या डिफरेंट आपका जो भी, तो अब यहां पर देखो टोटल इक्विवेलेंट, हाथ दर्द करना है, टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज आर एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू या आर सी प्लस आर ई भी लिख सकते थे, रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्टर एंड रेसिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है ऐसे ठीक है। तो आर एस इज इक्वल टू कितना है 4 और प्लस 20 इज इक्वल टू आपका 24, बताइए ठीक है
ये तो आपका आ गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया, सेकंड पार्ट को आपको देना है आपका, ये आपका टोटल रेसिस्टेंस आपका निकल गया। इज इट क्लियर? द करंट थ्रू द सोर्स, ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आपका? बाय ओम्स लॉ, ब्यूटीफुल। तो वी इज इक्वल टू, उन्होंने कहा था आई आर एस, एस ठीक हो गया। आई इज इक्वल टू आपका वी अपॉन आर एस, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई इज इक्वल टू वी आपका कितना है 6 ओवर आर एस, कितना है आपका 24, 1/4, 1/4 का मतलब 0.2 जी, बोले बोले जल्दी बोले है 0.25 एम्पियर। सेकेंड पार्ट क्लीन हो गया आपका, ठीक है। अब आपका आप इसके थर्ड पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके थ्रू अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप, इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे? वही एग्जैक्टली बाय ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं? आई आर लिखते हैं, ठीक है ना। V किसके लिए निकालना हमने? इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। I आपका करंट है, R किसके लिए हो गए? एग्जैक्टली, तो ना V E इज इक्वल टू I आपका 0.25 इंटू रेसिस्टेंस कितनी है 20 इलेक्ट्रिक लैंप की 20 इससे, तो आपका तो V E इज इक्वल टू कितना हुआ 25 टू सर 50 और 0 डेसिबल के, तो ना इसका मतलब इक्वल टू 5 वोल्ट। द करंट थ्रू आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी का तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ये भी आपका बाय ओम्स लॉ। तो आपका वी सी इज इक्वल टू आई आर सी, ये ई है ये सी, तो वी सी इज इक्वल आई का मतलब 0.0, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है, और आर सी का मतलब रेसिस्टेंस कितना है कंडक्टर का 4। तो आपका इसे करो 25 4 100 100 का मतलब ये हो गया, इसे करो 1 वोल्ट। अब देखिए जो आप देखो बैटरी है, बैटरी में टोटल पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो आपका वी इसी वोल्ट आपका कितना है 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या होता है? अलग अलग होता है आपका, होता है इसका होता है वी इसी वोल्ट वी ई और प्लस वी सी आपका देखो वो 5 + 1 इसी वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी है। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।